दिस इज़ कविता गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी सीरीज़ है, आज इस सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ग्रीटिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स क्या होते हैं और वो कहाँ यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी इस सीरीज़ में। चलिए तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ग्रीटिंग जो वर्ड है ये किससे मिलकर बना है, ग्रीट से बना है ग्रीटिंग्स। देखिए ग्रीट का मतलब होता है मिलना, और मिलने के बाद हम हमेशा क्या करते हैं दूसरे से, हम विशिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ग्रीटिंग्स। तो ग्रीटिंग क्या होता है, ग्रीट का मीनिंग मिलना, और मिलने के बाद जब भी हम किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या फिर गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं ये हमारी ग्रीटिंग्स में आती हैं। और किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं और क्या क्या हमारे सेंटेंसेस हमारे ग्रीटिंग्स में होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमारे ग्रीटिंग्स में होते हैं, अब इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। देखिए तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स का हमारा कहाँ यूज़ होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ग्रीटिंग्स हर जगह यूज़ होते हैं। यदि हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो भी हम ग्रीट करते हैं, तब हम ये वाले सेंटेंसेस बहुत यूज़ करते हैं। यदि हम ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी हम ग्रीटिंग का यूज़ करते हैं। यदि आप टीचर हैं, यदि आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाती हैं तो आप बच्चों के सामने ग्रीट करती हैं, ग्रीट करने के बाद आप बच्चों को विश करती हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे ग्रीटिंग्स होते हैं। देख लेते हैं, तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स में क्या होता है, हेलो, हेलो स्टूडेंट्स आप बोलते हैं, या फिर हेलो सर बोलते हैं, या हेलो मैम बोलते हैं, इस तरह से आप यूज़ करते हैं हेलो, या फ्रेंड्स के साथ हम हाय का यूज़ करते हैं, ये इनफॉर्मल वे होता है हमारा। तो हेलो और हाय का यूज़ करेंगे हम स्टार्टिंग में, उसके बाद हम हेलो हाय के बाद हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या फिर गुड नाइट। आपको फ्रेंड्स पता होगा गुड मॉर्निंग आप कब तक बोलते हैं, 12 बजे तक। आपको गुड आफ्टरनून भी पता होगा, 12 बजे के बाद हमारी गुड आफ्टरनून हो जाती है स्टार्ट, और फ्रेंड्स हमारी गुड इवनिंग आप सभी को पता है 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स गुड नाइट, गुड नाइट कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग इसमें गुड नाइट और गुड इवनिंग में बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देती हूँ आप सभी का। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम किसी से रात में मिलते हैं तो हम वहाँ पर गुड नाइट का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमेशा हमें गुड इवनिंग का यूज़ करना होता है, जब हम मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और जब हम किसी से अलग होते हैं तब हम गुड नाइट का यूज़ करेंगे। गुड नाइट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम उससे बार बार नहीं मिलेंगे, बस अब हम उससे मिलकर जा रहे हैं। लेकिन गुड इवनिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, हम गुड नाइट का यूज़ नहीं करते हैं। तो किसी से मिलने पर गुड इवनिंग और किसी से दूर जाने पर गुड नाइट, चाहे यदि आप रात को 11 बजे या आप रात को किसी से 8 बजे या 7 बजे कभी भी मिलते हैं तो आप गुड नाइट का यूज़ नहीं करेंगे, आप गुड इवनिंग का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि आप उससे विदा ले रहे हैं, यदि आप उससे 6 बजे मिलते हैं या 7 बजे मिलते हैं, 8 बजे मिलते हैं, और मिलने के बाद जब आपकी बातचीत कंप्लीट हो जाती है तब आप उसके बाद उसको गुड नाइट बोलकर जाएंगे, आप वहाँ पर गुड इवनिंग का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने क्या सीखा, गुड इवनिंग जब हम किसी से मिलते हैं, गुड नाइट जब हम किसी से विदा ले रहे होते हैं, मतलब हम जा रहे होते हैं, अलग होने पर गुड नाइट और मिलने पर गुड इवनिंग। तो सीखा आपने इसका पूरा कंसेप्ट। अब मैं आपको बताती हूँ, ये सब चीज़ें बोलने के बाद हम यही पूछते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ग्रीटिंग्स में, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। यदि फ्रेंड्स आप बोलते हैं हाउ आर यू, तो हाउ आर यू हमारा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें न्यू ऐड की हैं ग्रीटिंग्स में, हमारी क्या क्या चीज़ें हम हाउ आर यू के अलावा बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हाउ आर यू पुराना है, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है, आप हाउ आर यू की जगह और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ हैव यू बीन, दोनों का मीनिंग ही होता है फ्रेंड्स कि आप कैसे हैं। तो ये हमारा फॉर्मल वे होता है, फॉर्मल वे बोले तो, यदि आप स्कूल में हम क्या होते हैं, टीचर्स के साथ फॉर्मल होते हैं, यदि हम जॉब पर जाते हैं तो हम अपने बॉस के साथ फॉर्मल होते हैं। तो जहाँ भी आप फॉर्मेलिटी करते हैं, जहाँ पर फॉर्मल का मीनिंग होता है फॉर्मेलिटी जहाँ भी हम करते हैं वहाँ पर हम फॉर्मल वे में अपनी स्पीकिंग को या अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ये हमारी फॉर्मल स्पीकिंग है, फॉर्मल वे है, ये पूछने का तरीका है ये हमारा कि आप कैसे हैं। तो आपने क्या सीखा, तीन वे सीखे, हाउ आर यू डूइंग, या फिर हाउ हैव यू बीन, आप तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ तीनों मेंशन कर दिए हैं। इसका फिर देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इनफॉर्मल वे में बोलना हो, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करना हो, या आपसे कोई छोटा हो, तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप चाहते हैं, लेकिन
आप अदर सेंटेंसेस चाहते हैं, यदि आप अपने छोटे से या आपके साथ के जो बंदे होते हैं, आपके साथ का जो कोई पार्टनर होता है, उसके साथ आप यूज़ करना चाहते हैं कि आप कैसा है, हम देखिए इनफॉर्मल वे में किस तरह से बोलते हैं, और भाई कैसा है और कैसा चल रहा है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर्मल वे में हम कैसे बोलते हैं, आप कैसे हैं, और इनफॉर्मल वे में कैसा है भी ऐसा बोलते हैं ना। तो इसलिए हम इनफॉर्मल वे में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस, वो भी मैंने यहाँ पर 2-3 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप अपने पार्टनर के साथ उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप और भाई व्हाट्सएप, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन, या फिर व्हाट्स न्यू, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था हमारा फॉर्मल वे और ये था हमारा इनफॉर्मल वे। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगी कि आप इनफॉर्मल वे को, इनफॉर्मल जो हमारे फॉर्मल वे था पूछने का क्वेश्चन, इनके आंसर आप कैसे देंगे, और आप यदि इनफॉर्मल वे में क्वेश्चन करते हैं तो उनके आंसर आप कैसे देंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से आंसर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम रिप्लाई कैसे करेंगे। रिप्लाई हम करेंगे यदि हमें पूछना हो हाउ आर यू, कैसे हो, तो इसका रिप्लाई होगा आई एम फाइन, या फिर आई एम ग्रेट, आई एम गुड, कुछ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, हमने पूछा था हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, तो इसका आंसर होगा आई एम डूइंग वेल, बहुत अच्छा हूँ। या फिर आप पूछेंगे हाउ हैव यू बीन, कि आप कैसे हैं, तो उसका आंसर होगा आई हैव बीन गुड। तो ये थे हमारे उनके आंसर, जो भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिखकर बताए थे, हाउ आर यू, या हाउ आर यू डूइंग, या हाउ हैव यू बीन, तो उसके आंसर थे ये। ये भी फॉर्मल वे है, मतलब फॉर्मल वे मैंने आपको बताया था, तो उसके फॉर्मल ही आंसर थे। तो ये आपका यहाँ पर आपने क्लियर किया। अब हमें बात करनी है इनफॉर्मल वे की, यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट्सअप, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, इस तरह से आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, और उसके बाद उनके आंसर क्या हो सकते हैं, आप आंसर क्या देंगे। तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेट, मार्वलस, आई एम फुल ऑफ बीन्स, बहुत मज़े में हूँ भाई, आई एम हैप्पी गो लकी, बिल्कुल मन मोजी, एकदम परफेक्ट, मस्त, मोला, जो भी आप बिंदास, झकास, जो भी आप यूज़ करते हैं ना हिंदी में, ये सब वही होते हैं। आप सोचते हैं कि जो आप हिंदी में बोलते हैं इतना कुछ क्या इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में भी होता है, बिंदास, झकास, बढ़िया, एकदम परफेक्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसकी सबकी इंग्लिश यही है। तो ग्रेट भी बोल सकते हैं, मार्वलस भी बोल सकते हैं, आई एम फुल ऑफ बीन्स भी बोल सकते हैं, आई एम हैप्पी गो लकी, एकदम परफेक्ट, मस्त, मोला, मन मोजी हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम इन पिंक, मैं बहुत ही बिंदास हूँ, एकदम झकास हूँ। तो ये थे आपके इनफॉर्मल वे कि आप किस तरह से उनको रिप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगी आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हाउ इज़ योर लाइफ, भाई लाइफ वगैरह कैसी चल रही है आपकी, तो किस तरह से हम उसका आंसर देंगे, हाउ इज़ योर लाइफ। तो कुछ लोग बोलते हैं बस ठीक ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सो सो। कुछ लोग आपने देखा होगा बोलते हैं वही अड्डी वही खाल, जो जैसा कल था ऐसा ही आज हूँ भाई, तो उसके लिए हम बोलते हैं जो हिंदी मैंने बताई आपको वही अड्डी वही खाल, ये मत सोचिए फ्रेंड्स उसकी इंग्लिश नहीं होती है, इंग्लिश सभी की होती है। तो देखिए एवरीथिंग एज यूजुअल, इसका मीनिंग ये होगा एवरीथिंग एज यूजुअल, वही अड्डी वही खाल। नेक्स्ट देखिए इट्स गोइंग स्मूथली, यदि आपको किसी को फॉर्मल में आपको रिप्लाई करना पड़े, यदि आपको कोई पूछ लेता है जॉब के ड्यूरिंग, तो आप वहाँ पर ये इस टाइप के वर्ड्स यूज़ ना करें, आपको ये वाला सेंटेंस यूज़ करना चाहिए वहाँ पर। यदि मैं आप अपनी ओपिनियन दूँ तो आप बोल सकते हैं वहाँ इट्स गोइंग स्मूथली सर, या इट्स गोइंग स्मूथली मैम, बहुत बढ़िया, आराम से चल रही है, तो इस तरह से आप बोलेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए नॉट सो गुड नॉट सो बैड, आप ये भी बोल सकते हैं, ना ज़्यादा अच्छी है और ना ज़्यादा बुरी है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, सभी का 100%, मैं तो कहती हूँ 99% तो मैंने यही सुना है, भाई काट रहे हैं बस टाइम को, बस टाइम कट रहा है कैसे भी करके, घड़ी पूरी कर रहे हैं, इस तरह के जो वर्ड्स बोलते हैं लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई एम ड्रैगिंग माई लाइफ, बस ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ या ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ, तो आई एम ड्रैगिंग माई लाइफ, या आपको इस तरह से बोलना हो गुड, बेटर, बेस्ट, आप इस तरह के भी सेंटेंसेस या इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये था यदि हमें बोलना हो हाउ इज़ योर लाइफ, उसके आंसर जो भी आपको परफेक्ट लगते हैं या आपसे रिलेट होते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ मेरे ऊपर सूट करते हैं, आप इनको उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अब हम इसको लास्ट, जैसे हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, कॉन्वर्सेशन में हम क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, जैसे कि आप कैसे हैं, और मैंने आपको बताया लाइफ कैसी चल रही है आपकी, या फिर आपकी फ़ैमिली कैसी है और फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगी
अब हम ये बताने वाली हूँ आपको कि अपनी लास्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हमारी की लास्ट कैसे करें, जब हमारी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है उसके बाद हम, मैं लास्टिंग पॉइंट आपको बताती हूँ कि किस तरह से किसी से जब हम बात करते हैं तो हमें जो भी फील हुआ होता है हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जितने भी क्वेश्चन थे सब हो गए हैं। अब लास्ट आपको कैसे करना है ग्रीटिंग्स में, लास्ट में क्या करते हैं हम, व्हेन वी मीट समवन फर्स्ट टाइम वी से, जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम कैसे उसको मतलब थैंक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से हम उसको मतलब एंडिंग करते हैं उसकी। तो देखिए, जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम किस तरह से बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। या आप कैसे बोल सकते हैं, आई एम हैप्पी टू सी यू भी बोल सकते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपको देखकर खुशी हुआ। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू, कुछ भी आप तीनों में से यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से मतलब हम इंट्रैक्शन करते हैं उसके बाद जब हम किसी से मिलकर जाते हैं तो हम यही बोलते हैं, नाइस टू मीट यू मैम, नाइस टू मीट यू सर, आई एम हैप्पी टू सी यू सर, आई एम प्लीज टू सी यू सर, कुछ भी हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे यदि किसी ने ऐसा बोला है और तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी उसको रिप्लाई करें। तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे, हम भी ऐसे बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू टू, या आई एम ग्लैड टू सी यू टू, या तो टी डबल ओ टू वाला टू लगाएंगे, या फिर आप बोलेंगे सेम हियर सर या सेम हियर मैम। या आप ये भी नहीं बोलना चाहते और स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं लाइकवाइज मैम, लाइकवाइज सर। तो इस तरह से आप यहाँ पर एंड करेंगे उसका। अब मैं आपको, देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके ग्रीटिंग्स, आपके जो कंप्लीट हो चुके हैं, ये ग्रीटिंग्स की क्लास थी। आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, सीखिए, इस वीडियो की हेल्प से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से लर्न हो जाएगा। और एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी एक छोटी सी स्टूडेंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी 8th क्लास में है, उनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन करके दिखाती हूँ आपको ग्रीटिंग्स कैसे यूज़ करते हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं सृष्टि से। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, सृष्टि हैं, शी इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ 8th क्लास। तो देखिए हम किस तरह से ग्रीटिंग्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, हेलो। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ सृष्टि। ओके, व्हाट्स योर फादर? माय फादर इज़ बिजनेसमैन। व्हाट्स योर मदर? माय मदर इज़ ए हाउसवाइफ। ओके, हाउ इज़ योर लाइफ? माय लाइफ इज़ गुड। ओके, एंड टेल मी, व्हेन डिड यू ब्लॉसम ऑन द अर्थ? ऑन 29 जनवरी 2008। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम बेसिकली फ्रॉम मोदीनगर। व्हाट्स योर नेटिव प्लेस? माय नेटिव प्लेस इज़ मोदीनगर डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद। Oh, very good. And how many siblings do you have? I have 1 sibling. Okay, very good. Nice to meet you. Thank you, ma'am. Okay. So, देखा friends आपने, हम इस तरह से start करते हैं, हम इस तरह से अपनी greetings को start करते हैं और end भी ऐसे ही करते हैं कि हम मिले, आपस में हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद हमने लास्ट किया था, नाइस टू मीट यू, इस तरह से हमने यूज़ किए थे ये सेंटेंसेस। तो इस तरह से हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, इसी को ही ग्रीटिंग क्लास कहते हैं। और इस तरह से आप, यदि फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देती हूँ, यदि आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो की हेल्प से सीखते हैं इंग्लिश और इस तरह से चलते हैं तो आपकी इंग्लिश 101% बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी, यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और डेली लाइफ में इंग्लिश को इस तरह से बोलना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और फ्रेंड्स, वी विल सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।